हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल केजीएन ऑटो रिपेयर सेंटर। सो गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके प्याजो ऑटो का एक्सल रबर अगर फट गया है तो आप उसे खुद से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, यानी कि खुद से चेंज उसे कैसे कर सकते हैं। तो बने रहे आप हमारे वीडियो में अंत तक, बिना वीडियो के स्किप किए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये वाला कपलिंग रबर को खोलना होगा, और इसको खोलने के लिए हमें 16 और 17 नंबर के रिंच की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 17 और 16 नंबर की रिंच की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर पहले इसे खोल लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, कपलिंग रबर के पास से तो खुल गया। अब उसके बाद चलते हैं इस तरफ और इधर का नट भी खोलते हैं। तो दोस्तों, इधर का नट जो है ना, वो 10 नंबर के टी पाना से खुलेगा। अगर आपके पास टी पाना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 10 नंबर के रिंच से भी आप खोल सकते हैं। तो चलिए फिर इसे भी खोल लेते हैं। सब नट को खोलने के बाद फिर स्क्रू ड्राइवर से इस तरफ से कुछ इस तरीके से करेंगे और इसके बाद ये निकल जाएगा। सो गाइस, ये तो निकल गया। अब उसके बाद इसमें रबर को चेंज करेंगे। लेकिन चेंज करने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ओके गाइस, कंटिन्यू आप वीडियो को वॉच करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद गाइस, सबसे पहले आपको ये वाला नट को खोलना है, और ये नट को खोलने के लिए हमें 17 नंबर के रिंच की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 17 नंबर के रिंच से ये नट खुलेगा। तो चलिए फिर पहले इसे खोल लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो ये तो खुल गया। अब इसके बाद एक्सल से ना इसको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, बाहर निकल गया ये। उसके बाद ये वाला रबर सेट को भी एक्सल से बाहर निकाल देंगे। तो ये भी निकल गया। अब क्या करने हैं दोस्तों, एक्सल को थोड़ा साफ़ कर लेंगे। इसमें क्या है ना कि थोड़ा जंग लग गया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आड़ी पत्ती की मदद से इसे साफ़ कर लेंगे। पहले साफ़ कर लेते हैं, फिर कपड़े से पोंछ देंगे इसको, उसके बाद फिर इसको यूज़ में लेंगे। तो एक्सल को कपड़े से सही तरीके से क्लीन कर लिए हैं। अब उसके बाद ये जो रबर सेट है ना, इसके अंदर एक गुटका रहता है, तो वो वाला पहले गुटका को बाहर निकाल लेंगे। तो ये गुटका को भी बाहर निकाल लिए। अब इसके बाद ये जो रबर सेट है ना, ये रबर को ना इससे बाहर निकाल देंगे। तो चलिए फिर रबर को बाहर निकाल देते हैं। तो ये रबर को भी इससे बाहर निकाल दिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर कटा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना कटा हुआ है ना, कटा हुआ, बहुत कटा हुआ है। इसके चक्कर में इससे आयल लीकेज कर रहा था। तो अब क्या करेंगे ना, ये जो है ना, ये सबको पहले कपड़े से अच्छी तरीके से ना साफ़ कर लेंगे, उसके बाद फिर नया रबर को इसमें फिट करेंगे। इसको पहले हेक्स ब्लेड से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको फिर कपड़े से साफ़ करेंगे और गुटका को भी साफ़ करेंगे। तो आप अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, अब वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि गुटका हल्का टूटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। हम इसमें आयल सील को चेंज कर देंगे, नया आयल सील लगा देंगे, फिर उसके बाद इसको वापस से यूज़ में ले लेंगे। तो चलिए फिर इसका आयल सील को चेंज कर देते हैं।
तो ये आयल सील को भी चेंज कर दिए। अब इसके बाद फिर नया रबर को इसमें सेट करेंगे, तो आप देखते रहिए कि किस तरीके से सेट किया जा रहा है। बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से चेंज करनी है। तो चलिए फिर इसमें रबर को लगा लेते हैं। एंड गाइज, इसको ना थोड़ा सही तरीके से फिट करनी पड़ेगी, पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट करनी पड़ेगी, नहीं अगर ऐसा करेंगे तो फिर आयल लीकेज करेगा। इसे अच्छा है कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए और इसे सही तरीके से फिट कीजिए। तो ये रबर सही तरीके से फिट हो चुका है। अब इसके बाद फिर ये गुटका को लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें ना थोड़ा आयल को लगा देंगे ताकि गुटका आराम से लग सके। और गाइस, आप ध्यान से देखिए कि इसे किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो गाइज, ये रबर सही तरीके से फिट हो चुका है। अब इसके बाद एक्सल को लगाएंगे इसमें, लेकिन गाइज एक्सल में ना रबर को उल्टे तरफ से लगाएंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से लगा के इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद फिर आगे की तरफ इसको लगा देते हैं। फिर उसके बाद इसको नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, ये 17 नंबर के रिंच से खुलता है और टाइट भी होगा। ये नट को ना पूरा फुल टाइट कर लेनी है, ढीला आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। नट को पूरा फुल टाइट करने के बाद फिर इसके ऊपर ना थोड़ा सा सुलेशन को लगा देंगे ताकि ये आराम से जाके बैठ सके। तो चलिए फिर सुलेशन को अच्छी तरीके से लगा देते हैं। और दोस्तों, इससे एक और फायदा होगा कि हमारा आयल जो है ना वो लीकेज नहीं करेगा, क्योंकि ये सही तरीके से जाके बैठ के और नट बोल्ट से टाइट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको चॉकलेट वगैरह लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया रबर चेंज करने की प्रोसेस कम्प्लीटली। ये रबर चेंज हो चुका है। अब चलते हैं इंजन की तरफ और वहाँ थोड़ा अच्छे तरीके से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि पहले जो सोल्यूशन लगा हुआ था ना उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है ताकि ये सही से बैठ सके। तो चलिए फिर वहाँ पहले साफ़ कर देते हैं, फिर इसको उसमें फ़िट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। दोस्तों, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको खांच जो अनबैलेंस दिख रहा है ना, एक साथ नहीं है तो ये नहीं बैठेगा। इसको फिर बराबर करना पड़ेगा तभी बैठ पाएगा। तो इसी तरीके से आपको ना बराबर करके इसको बैठानी है। तो ये बात को आपको ध्यान में रख के ही ये काम करनी है। तो चलिए फिर अब इसको फिट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे अच्छी तरीके से बैठ गया है। अब इसको ना नट से टाइट कर देते हैं। सो गाइज, ये तो पूरा फुल्ली टाइट हो चुका है। अब चलते हैं कपलिंग रबर की तरफ और वहां भी इसको अच्छी तरीके से पूरा फुल्ली टाइट कर देते हैं। Thank you.
सो गाइज, आज का जो टॉपिक था एक्सेल रबर को चेंज करना, वो यहीं पे समाप्त होता है, यानी कि यहीं पे एंड होता है। एक्सेल रबर सही तरीके से चेंज हो चुका है, बस अब देरी है तो बस नट टाइट करने की। नट बोल्ट टाइट करने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके गाइज, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।